सो गाइस आज का जो दिन था वो आईपीएल के फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि गाइस मिनी आईपीएल के लिए आज ड्राफ्ट प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। अभी ये प्रोसेस कल भी चलने वाली है, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट डेट था जो कि आपको मेन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना था वो चीजें आज हो चुकी है। और गाइस साथ में एमएस धोनी पे भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या वो इस लीग में रहने वाले कि नहीं रहने वाले इस पे मैं आपको एकदम कंफर्म रुझान बताने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो 6 फ्रेंचाइजीज थी जो कि आईपीएल के ही फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने इस लीग में मिनी आईपीएल में अपनी टीम खरीदे हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अब टीम में शामिल कर लिया है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की। हाँ गाइस एक बार देख लिया जाए कि जो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजीज है उन्होंने कितने, उन्होंने कुल मिलाकर 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। सबसे पहले राशिद खान, लियम लिविंगस्टोन, कलिसो रबाडा, सैम करन और डेवाल ब्रेविश और यहाँ पे शमीर, ये 6 खिलाड़ी है जिन्हें की मुंबई के फ्रेंचाइजीज ने अपने टीम में शामिल कर लिया है। अब वही चेन्नई की बात करने वाले हैं, आखिर चेन्नई के जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने कितने खिलाड़ियों को लिया है अपने टीम में, तो इन्होंने कुल मिलाकर 2 खिलाड़ियों को ही अभी तक साइन किया है। और गाइस सबसे पहले फाफ डु प्लेसिस को साइन कर लिया है। हाँ गाइस फाफ डु प्लेसिस फाइनली चेन्नई की टीम में आ चुके हैं, अब वो मेन आईपीएल में नहीं मिनी आईपीएल में चेन्नई की टीम में आए हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि यही रहते हुए नजर आने वाले हैं। और मोइन अली साथ में, हाँ गाइस मोइन अली भी यहाँ पे इनके टीम में जुड़ चुके हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल से बना है वो डायरेक्ट टीम में एंट्री मार सकता है और इस तरीके से इन्होंने मार दिया है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के फ्रेंचाइजी से एनरिक नौरखिया को टीम में शामिल किया गया है। हैदराबाद की तरफ से बात करें तो एजन मार्करम टीम में शामिल हुए हैं और राजस्थान रॉयल्स ने जॉस बटलर को शामिल किया है और जो कि लखनऊ की जो फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने क्विंटन डिकॉक को अपने टीम में लिया है। हाँ गाइस ये थे वो खिलाड़ी जो कि अपने अपने टीम में शामिल हो चुके हैं, अपने फ्रेंचाइजीज में शामिल हो चुके हैं। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले अब मेन मुद्दे को लेकर। हाँ गाइस क्या एमएस धोनी इस लीग का हिस्सा रहने वाले कि नहीं रहने वाले, ये काफी लोगों के दिमाग में घूम रहा था। सो गाइस यहाँ पे आज जो कि सीएसके के ऑफिशियल्स है उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया है। हाँ गाइस इस चीज को लेके आज काफी लोगों का यहाँ पे जो चीजें है वो पूरा साफ कर दिया, एक तरीके से आईना इन्होंने दिखा दिया। और गाइस इनका साफ साफ कहना है कि बीसीसीआई से हमारी मीटिंग चल रही है और गाइस अगर बीसीसीआई परमिशन देती है, अगर बीसीसीआई कहती है कि आप अपने खिलाड़ियों को हमें शामिल करने के लिए जो इंडियन खिलाड़ी हैं अगर वो इस लीग में खेल सकते हैं और अगर बीसीसीआई मान जाती है तो 100% कंफर्म है कि एमएस धोनी इस लीग का हिस्सा रहने वाले हैं। हाँ गाइस एमएस धोनी इस लीग का हिस्सा रहने वाले हैं, एमएस धोनी की ओर से पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि अगर बीसीसीआई यहां पे अनुमति दे देती है, परमिशन दे देती है तो ये एज अ प्लेयर टीम में शामिल होने वाले और अनुमति अगर नहीं मिलता तो एज अ मेंटोर टीम में शामिल होने वाले। हाँ गाइस स्टीफन फ्लेमिंग और एमएस धोनी की जो एक जोड़ी थी जो कि हमेशा से चेन्नई को एक चैंपियन टीम बनाई है, हमेशा चेन्नई जो आज चैंपियन बनी है इन दोनों के ही बलबूते बनी है। एक बार फिर से ये नई फ्रेंचाइजी जो कि होने वाला है मिनी आईपीएल, इसमें भी यही जोड़ी रहती हुई नजर आने वाली है। अब वो हो सकता है कि एमएस धोनी एज अ मेंटोर शामिल हो सकते हैं या फिर एज अ प्लेयर टीम में शामिल हो सकते हैं, ये बीसीसीआई के ऊपर सब जो रोड़ा है वो पड़ चुका है। और ट्विटर पे ये भी ट्रेंड कर चुका है कि एमएस धोनी और बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्हें आप मौका दीजिए मिनी आईपीएल में। अब देखना होगा कि इस ट्रेंड के बाद और इस सब चीजों के बाद आखिर बीसीसीआई करती क्या है, क्या ये मौका देने को राजी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी तक के लिए इतनी ही खबर निकल के आई थी। और फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, और अगर एमएस धोनी इस लीग का हिस्सा नहीं बनते हैं तो फाफ डु प्लेसिस कैप्टन बन जाएंगे। हाँ गाइस जो चेन्नई की फ्रेंचाइजी से अगर एमएस धोनी एज अ मेंटोर टीम में शामिल होते हैं तो यहाँ पे फाफ डु प्लेसिस कैप्टन बन जाएंगे, ऐसा कहना है यहाँ पे जो कि ऑफिशियल्स हैं सीएसके के ऑफिशियल्स ने कह दिया है। और गाइस उसके बाद इन सभी प्रोसेस के बाद ऑक्शन काफी ज्यादा नजदीक है। हाँ गाइस अगर यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी तो आपको जल्द ही आईपीएल का ये जो मिनी आईपीएल है उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। और आज काफी ज्यादा चीजें हुई हैं और यहाँ फ्यूचर में और चीजें होती रहेंगी तो मैं आपको न्यूज बताता रहूंगा, लेकिन आज फिलहाल इतनी खबर निकल के आई है। हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे भी आपको खबरें मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।